बच्चों, आज हमको अनिश्चित समाकलन पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन का प्रक्रिया अवकल समीकरण से चालू होता है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। आपने इसके पूर्व अगले क्लास में अवकलन को आपने पढ़ चुका है, तो हम आज हम अनिश्चित समाकलन आपके सामने बता रहे हैं। अवकलन गणित में किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। ये फंडामेंटल है, मूलभूत चीज है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अवकल गणित में किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। किंतु समाकलन गणित में जिस फलन का मान ज्ञात करते हैं वो क्या होता है, किसका होता है, अवकल गुणांक का होता है। क्लियर हो रहा है? दोनों प्रक्रिया में समाकलन और अवकलन एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। अवकलन गणित में किसी फलन का अवकलन गुणांक कहते हैं, लेकिन समाकलन गणित में जिस फलन का मान ज्ञात करते हैं वो अवकल गुणांक का होता है। क्लियर? अब इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषाओं पर जाते हैं। यदि डी बाई डी एक्स, ये प्रक्रिया अवकलन को बताता है। अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स रिलेशन होता है, संबंधित होता है। तो हम डी बाई डी एक्स बड़ा एफ एक्स का जब हम करते हैं अवकलन, उसका स्मॉल एफ एक्स या छोटा एफ एक्स प्राप्त होता है। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, एफ एक्स का समाकलन स्मॉल एफ एक्स प्राप्त होता है, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत होता है। एफ एक्स का समाकलन स्मॉल एफ एक्स होता है। अब हम चलते हैं प्रतीकात्मक रूप से, ये क्लियर हो गया। आगे चले हम, ये बेसिक मूलभूत चीज है। जब तक हम समाकलन को इन भाषाओं से नहीं जानेंगे कि यहाँ पर अवकलन आया, इस अवकलन के बाद अपन अब इसको प्रतीकात्मक रूप से लिख रहे हैं, कि ये समाकलन का चिन्ह कहलाता है। इस समाकलन में हम इस छोटा एफ एक्स का हम समाकलन करेंगे, डी एक्स, जो हमको बड़ा एफ एक्स के रूप में प्राप्त होगा। एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया, बड़ा एफ एक्स का हमने अवकलन किया तो छोटा एफ एक्स आया, छोटा एफ एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो ये बड़ा रूप आएगा। ये प्रक्रिया में ये एफ एक्स जो है वो जिस फलन का हम समाकलन करते हैं, जिस फलन का हम किस फलन का समाकलन करें बच्चों, ये एफ एक्स का समाकलन करें, तो ये एफ एक्स जो है वो समाकल्य कहलाता है।
ये एफएक्स समाकल्य कहलाता है, इस समाकल्य कहते हैं। ओके, एफएक्स समाकल्य कहलाता है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है, निश्चित रूप से नया फंडा है, नया चीज है आपके सामने, समाकलन आपके लिए नया चैप्टर। तो इसमें आपने ये जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, ये प्रतीक चिन्ह को सम से लेकर चलते हैं, सम मतलब योग, जोड़ से संबंधित ये चिन्ह आपका कहलाता है समाकलन। इस चिन्ह को हम कहते हैं समाकलन, और जिस फलन को हमने समाकलन किया है वो समाकल्य कहलाता है। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसमें ये चिन्ह आपका हो गया सम, इसको कह दिया हमने समाकलन। आगे हम और चले बच्चों, जो आपके आगे अवकल समीकरण पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। सी एक्स स्वच्छ चर है, एक निर्दिष्ट मान है जो हमने 11 में पढ़ा हुआ है। तो स्वच्छ चर है, ये कुछ भी मान ग्रहण कर सकता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, सी का मान 1, 2, 3 या 5 जो भी रख सकते हैं, भले कुछ इसके मान कई हो सकते हैं। जब सी स्वच्छ चर है और हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का जब हम अवकलन करेंगे तो इसका मूलभूत चीज आएगा स्मॉल एफ एक्स। अब आपके सामने एक बात आ रही होगी कि सर ने तो इसका अवकलन कर दिया, लेकिन सी कहाँ गया? जब हम सी की बात करते हैं तो सी जो है वो स्वच्छ चर है, तो स्वच्छ चर का अवकलन जो होता है वो शून्य होता है। डी बाई डी सी इज इक्वल टू बराबर 0, डी बाई डी एक्स सी बराबर 0। अब आपको समझ में आ रहा है, ये हमने सी को कांस्टेंट या नितांक राशि का अवकलन जो होता है शून्य होता है, तो यह सी आपको 0 हो गया, शून्य हो गया, और ये एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया? छोटा एफ एक्स, जिसको कहते हैं स्मॉल एफ एक्स। अब इसके आगे हम इसका समाकलन करते हैं, तो स्मॉल एफ एक्स या छोटा एफ एक्स इंटीग्रेशन या समाकलन एफ एक्स डी एक्स का इक्वल प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सी का उपयोग हर समय अपन नहीं करेंगे, जब भी हमने समाकलन किया तो ये ऑटोमेटिक या सदैव उपस्थित रहेगा उस जगह पे, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिखा कब जाएगा? जब हम अवकल समीकरण में पढ़ेंगे तब इस सी का उपयोग होगा। सी को अपन डिफाइन या सी को जब लिखेंगे कब? जब अवकल समीकरण होगा, इस अवकल समीकरण में सी का, यहाँ सी जब भी अपन समाकलन करेंगे तो हर समय सी सदैव वहाँ उपस्थित रहेगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये आपकी परिभाषाओं का रूप आ गया, अब इसके प्रामाणिक मान होते हैं, जैसे ताले होते हैं उसकी चाबी होती है, वैसे गणित है तो गणित में जब तक आपको सूत्र या प्रामाणिक मान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप उस चीज़ों को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो समाकलन में आपने एफ एक्स प्लस सी जो है का समाकलन किया आपने, प्रामाणिक समाकलन। तो सबसे पहला प्रामाणिक समाकलन क्या है? जब x घात n होगा उसका समाकलन x सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा, इसमें x घात में n धन 1 जुड़ेगा, x घात n धन 1 जुड़ेगा और साथ में इसमें बटे में n धन 1 के रूप में उपस्थित हो जाएगा। ये पहला फार्मूला जो आपको हर समय काम आएगा। अब
आपके दिमाग में आएगा, सर ने तो कह दिया कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। हम इसको अवकलन करके देखते हैं, dy dx x की घात n धन 1 बटे n धन 1। तो हमारा सूत्र आप याद कीजिए, 11वीं में आपने जो सूत्र पढ़ा है या इसके पहले आपने अवकल जो पढ़ा होगा उसमें आपने अवकलन किया होगा dy dx x की घात n का, तो ये n x की घात n ऋण 1 इस रूप में आपने बताया रहा होगा। ठीक है बच्चों, याद है आज क्लियर हो गया कि x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n ऋण 1। अब यहां से इसको अगर देखें तो ये नितांक राशि का अवकलन नहीं होता है, हम अवकलन किससे करेंगे, x की घात n धन 1। ये n धन 1 किसको बताएगा, ये n को बताएगा। तो ये हो गया आपका n आया, तो ये n धन 1 हो जाएगा और x की घात n धन 1 में ऋण 1 घट जाएगा, तो ऋण 1 कट गया, ये कट गया, बचा क्या आपके पास x की घात n। तो ये हो गया अवकलन, समाकलन की, समाकलन जो होती है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, जिसका हमने समाकलन किया ये प्राप्त हुआ, इस अवकलन किया हमने इसको तो ये समाकलन की राशि प्राप्त। तो ये पहला मूलभूत जो प्रामाणिक समाकलन है ये प्राप्त हुआ। दूसरा आपका आएगा सूत्र इंटीग्रेशन 1/x या 1/x dx, ये लॉगरिथम के रूप में प्राप्त होता है, log e x। फिर तीसरा सूत्र ये आपका होगा ex dx, ex dx का समाकलन ex, ये चरघातांक की श्रेणी जो आपने 11 में पढ़ा होगा, उस चरघातांक की श्रेणी का समाकलन वैसे का वैसे रहता है, इसके मान में चेंज, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, ex का समाकलन ex ही रहता है। चौथा sin x, त्रिकोणमिति sin x का समाकलन ऋण cos x होता है। ब्लैकबोर्ड का तो डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, दो भागों में बांट रहा हूं। ये समाकलन के प्रामाणिक मान है, इन्हीं से क्वेश्चन आगे बढ़ने हैं। cos x dx का मान sin x, फिर sec square x dx का tan x, cosec वर्ग dx का ऋण cot x, ये सब त्रिकोणमिति के समाकलन हो रहे हैं, जो हमने 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा, तीनों सेक्शन में पढ़ा, तो चौथा सेक्शन में आपको त्रिकोणमिति इस रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं, इस रूप में व्यक्त आ रहे हैं कि cos x का जब समाकलन करेंगे वो sin x, sec square x dx का समाकलन करेंगे वो tan x, cosec square dx का समाकलन करेंगे वो ऋण cot x, फिर sec x tan x dx का sec x cosec x cot x dx का minus ऋण cosec x। ये कुछ सूत्र है जो काम आएंगे आपके, ये प्रामाणिक मान, इस प्रामाणिक समाकलन के जो सूत्र हैं, आपको इसको बिल्कुल आपको गहरी चिंतन मनन करके आपको इसको याद रखना पड़ेगा, तब आपको ये समाकलन आपसी बनेंगे, अन्यथा आपको सूत्र मालूम नहीं होगा तो आपको ये प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। तो कुछ 9-10 फार्मूले होंगे, 10 सूत्र होंगे, उसको आपको निश्चित तौर पे आपको जाके उसको एक बार, दो बार, तीन बार आपको अपनी कॉपी में राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये सूत्र ऑटोमेटिक जब प्रश्न बनाते समय आपको याद होंगे। तो जब तक आपको जितने फार्मूले याद हैं, सूत्र याद है, उसको आपको प्रश्नावली में बनाते समय उसको ध्यान से बनाना पड़ेगा, तब आपके ये प्रश्नावली के चैप्टर जो है वो
बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो बच्चों इस बात को यहाँ से ये जो चीज आ रहा है ये बनेंगे आपसे, याद रहेंगे, इस सब चीज़ों को याद करना आपको बहुत जरूरी है। फिर कुछ मूलभूत प्रमेय भी है, मूलभूत प्रमेय में क्या बच्चों, जब हम समाकलन करते हैं, फलन का समाकलन होता है निश्चित तौर पर अपने को पता है, समाकलन के साथ dx भी लगता है क्योंकि dx से सापेक्ष ही अपन समाकलन करते हैं, साथ में इसमें c पद आ जाता है, c मतलब स्वच्छ राशि, नितांग राशि जिसको कहते हैं अपन, जिसका मान बदलता नहीं है, सी स्वच्छ राशि। तो सी का जब हम समाकलन करते हैं तब ये सी का समाकलन यहाँ नहीं होता, स्वच्छ राशि का समाकलन नहीं होता, सिर्फ फलन का ही समाकलन होता है। आपके आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सी नितांग राशि स्वच्छ राशि इसका समाकलन नहीं होगा, होगा किसका समाकलन, एफ एक्स का होगा, इस एफ एक्स का समाकलन हो तो सी यहां से समाकलन से बाहर हो जाएगा। फिर आइए बच्चों जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन योग या दो से अधिक योग या अंतर के रूप में दिखाई दे, देखिए अब समाकलन हम कर रहे हैं एफ एक्स धन एफ दो एक्स, अब इसका हमको समाकलन करना है, तो ये दो पद के रूप में दिया हुआ है साथ में धन चिन्ह, तो ये अलग अलग पदों में समाकलन होगा, ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना होगा तब आपकी समाकलन जो विषय वस्तु है ये सरल होगा। जब तक आप इस समाकलन की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे कि हमको दो पद दिया गया है, एक धन के रूप में हो सकता है या ऋण भी हो सकता है, दोनों चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें इस प्रक्रिया को गुजरने के लिए आपको ये अलग अलग पदों का हम समाकलन करेंगे, या धन होगा या फिर ऋण भी हो सकता है। ये प्रक्रिया आपको हम प्रमेय बता दिया, नियम बता दिया, लेकिन जब इस नियम को जब तक हम फॉलो प्रयोग प्रश्न बनाते समय नहीं करेंगे तो इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका ये अनुपयोगी चीज है, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है कि जब आपको ये पता नहीं सी को बाहर करना है, तो सी नितांग राशि है तो ये समाकलन से बाहर होगा, दो या दो से अधिक पदों का समाकलन करना होगा तो इसके अलग अलग पदों का समाकलन के रूप में ये चिन्हांकित हो जाएंगे, चिन्ह वही रहेंगे, अगर आपने ये चिन्ह बदल दिया तो गणित यहां से फेल हो गई, गणित यहां से अंधी हो गई, अगर हमें आपका आंख ले लूं तो आप अंधे हो गए, वैसे गणित में चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, अगर आप धन और ऋण आपने इसको प्रयोग ही नहीं किया तो ये मान के चलिए गणित यहां से फेल और यहां से आपके नंबर कट गए, तो आप चिन्ह को बहुत बाकायदा ध्यान रखना पड़ेगा, धन चिन्ह ऋण चिन्ह दोनों में से एक चिन्ह है उसको आपको उपयोग करना है। तो आपको इस बात को याद रखना कि आप 12वीं क्लास में गणित लिए हो, गणित का मतलब होता है कि आपको इंजीनियर बनना है और पूरे देश का स्ट्रक्चर खड़े करना है, इमारत बनाना है आपको, हेलीकॉप्टर बनाना है आपको, हवाई जहाज बनाना है, इस कंडीशन में जब तक आप इस चीज़ों को आप उपयोग करना नहीं सीखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप तो कुछ बात नहीं बन पाएगा। तो ये सब सूत्रों को मैंने बता दिया प्रमाणीकरण, कुछ सूत्र और है जिसको और देखें कि समाकलन एक बटे वर्गमूल एक ऋण एक्स का वर्ग डी एक्स, तो ये समाकलन जब इसका करते हैं तो ये साइन ऋण साइन की हाथ ऋण एक एक्स
के रूप में प्रेजेंट होता है या फिर ड्रीम के रूप में मिलेगा वो माइंड ड्रीम कॉन्शियस। तो ये दो मान को बताता है बच्चों। एक बार हम समाकलन करेंगे एक बटे वर्गमूल एक ऋण एक्स वर्ग डी एक्स का, तो साइन ऋण एक्स भी हो सकता है और ऋण कास की घात ऋण एक्स भी हो सकता है। तो ये कब प्रयोग होगा, जब बनाते समय हमको समझ में आएगा ये फार्मूला या ये सूत्र इस समय आएगा या उस समय आएगा, तो उस समय आपको क्वेश्चन मानते समय समझ में आएगा। फिर चौथी बात, समाकलन एक बटे एक धन एक्स का वर्ग डी एक्स, ये बताता है टेन इनवर्स एक्स या फिर ऋण काट घात ऋण एक्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में ऋण आता है आपस। तो साथियों बच्चों ये सब फार्मूले हमको पता होना चाहिए, और जब तक सूत्र पता नहीं होगा आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो कुछ सूत्रों के माध्यम से आप क्वेश्चन पे चले। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक्स करनी घात चार का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने प्रश्न आता है या क्वेश्चन आता है, अब इसका हल कैसे करेंगे हम, इसका समाकलन करना, तो समाकलन चिन्ह से इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रतीकात्मक रूप से बताना पड़ेगा कि समाकलन लिखा साथ में x करनी घात चार लिखा साथ में आपके सामने dx लिखा। करनी का मतलब नाइन्थ में आपने पढ़ा है करनी चिन्ह, तो करनी का वैल्यू क्या होता है, मान क्या होता है, एक बटे दो। जब हम करनी घात n लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, एक बटे n। पूर्व ज्ञान अपन ले ले कि करनी का मान एक बटे दो होता है, तो करनी घात n का मान एक बटे दो होगा। तो यहाँ करनी घात चार लिखा हुआ, इसका मान क्या हो जाएगा, x की घात एक बटे चार। ठीक है बच्चों, एक सी घात एक बट्टे चार। ये सूत्र में चलिए, पहला जो प्रामाणिक सूत्र है कि घात के ऊपर n दिया हो, इसका जब हम समाकलन करते हैं तो ये समाकलन के रूप में कैसे मिलता है, एक सी घात n धन एक बट्टे n धन एक। इस सूत्र को आप बताइए, इस सूत्र को आप इसमें प्रयोग कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, कि एक सी घात एक बटे चार लिखा हुआ या एक सी घात एन, तो एन का मान कितना हुआ, एक बटे चार। तो अब एक बटे चार यहां जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक सी घात एक बटे चार धन एक और एक बटे चार धन एक। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सी घात एक धन चार बटे चार और एक धन चार बटे चार, तो एक से घात पांच बटे चार और ये पांच बटे चार, ये आपका आंसर आएगा चार बटे पांच, एक से घात पांच बटे चार, ये आंसर होगा बच्चों। ओके थैंक यू। ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया बच्चों बेसिकली चीज सूत्र आधार जो होता है सूत्र के लिए होते हैं, शुरू के जो प्रश्न एक्सरसाइज प्रश्नावली होते हैं वो
सिर्फ सूत्र याद करने के लिए होते हैं। जितना आप उस प्रश्नावली को जितना आप बनाएंगे उतना ही आपको सूत्र याद होगा। इस बात को आप याद रखिए कि जो आपका पहला प्रश्नावली है वो सिर्फ आपके सूत्र को याद करने के लिए। ये इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि जो प्रमाणिक मान हमने बताया समाकलन का, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 3x² + 4x + 5/x। तीन एक्स का वर्ग धन 4x + 5/x। एक्स में कर्णी चिन्ह डालेंगे बच्चों, कर्णी एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। जब इसको अपन हल करेंगे तो हम समाकलन पढ़े, अनिश्चित समाकलन पढ़े, तो अनिश्चित समाकलन समाकलन को हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन मतलब आई से चालू होता है, तो इसको हम आई के रूप में मानेंगे। इसको मानेंगे माना आई बराबर समाकलन 3x² + 4x + 5/x। जब समाकलन चिन्ह लगाया तो ये dx लगाना जरूरी है। जब तक हम समाकलन में dx का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक समाकलन पूर्ण रूप से सही नहीं रहेगा। अब इसका समाकलन करना तो कितने पद हैं, 1, 2, 3। इस तीनों पदों को हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। 3x² इसके नीचे कर्णी x, फिर 4x / कर्णी x + 5/कर्णी x, फिर कोष्टक कर लेना, फिर आप dx। तो मैं आपको मूलभूत प्रमेय बताया था मैं आपको कि दो या दो से अधिक तीन पद हो और ये योग धन के चिन्ह पर हो तो इसको अपन अलग अलग समाकलन करेंगे, ठीक है। इसके पहले अपन इसको थोड़ा आगे हल कर लें, क्योंकि एक्स वर्ग यहाँ दिख रहा है, एक्स नीचे भी दिख रहा है, और इसका मान हम एक्स का कर्णी का मान हम यहाँ रख लें, 3x² / x^2, फिर धन 4x / x^2 धन 5x / x^2, फिर कोष्टक ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर, फिर समस्या नहीं। अब आगे चले बच्चों, देखिए हम ये मत सोचें कि हम 12वीं पढ़ रहे हैं, अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 8वीं में। ये x और x दोनों में दिख रहे हैं, तो हमने जो घातांक का जो नियम पढ़ा है कहाँ, 8वीं में, उसका प्रयोग करेंगे कि जब घात जब आधार समान होते हैं तो घात जो है वो घट जाते हैं। तो यहाँ वही बात आएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पास, 3x² - 1/2, ठीक है, फिर धन 4x² कितना, यहाँ कोई चीज ना हो तो अपन एक मान के चलते हैं, यहाँ एक लिखा हुआ है, 1 ऋण 1/2, फिर धन 5। जब x^1/2 ऊपर जाएगा तो भी घटांक का नियम बनेगा कि 1/x^n हो तो अपन x^(n) लिख देते हैं। ये 8वीं और 9वीं के टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x^(ऋण 1/2) हो जाएगा और ये कोष्टक होगा।
अब ये गर्व स्टेप में इसको हल कर लिया, एक पदों ले लिया, ये हल हो रहा है लघुत्तम समापवर्तक नीचे, क्या हो जाएगा इसको, तीन एक सी घात दो दुनी चार रिंग एक बटे दो, फिर चार एक सी घात दो रिंग एक बटे दो, धन पांच एक सी घात रिंग एक बटे दो, फिर एक कोष्टक। फिर करनी चिन्ह है आपका, तीन एक सी घात ये हो जाएगा आपका तीन बटे दो, फिर धन चार एक सी घात एक बटे दो, धन पांच एक सी घात ऋण एक बटे दो, कोष्टक करके आपको पूरा चीजों को डीएक्स के रूप में ले लेना, ठीक है। अब आगे चले, अब मूलभूत चीज में इसको अलग अलग आपको समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन तीन एक्स घात तीन बटे दो डी एक्स, फिर धन समाकलन चार एक्स घात एक बटे दो डी एक्स, धन समाकलन पांच एक्स घात ऋण एक बटे दो डी एक्स। बच्चों ये हो गया, यहां तक आगे चले, यहां से इसको मिटा दे, इसके पहले मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जब फलन के सामने C दिया हो, C मतलब कांस्टेंट नितांग राशि, तो नितांग राशि का समाकलन है, तो वो नितांग राशि समाकलन से बाहर हो जाता है, तो ये तीन यहां से बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तीन समाकलन करेंगे किसका, एक सी घात तीन बटे दो का, तो क्या हो जाएगा, एक सी घात तीन बटे दो में धन एक जुड़ेगा, फिर तीन बटे दो धन एक, फिर आगे चले, फिर चार बाहर होगा यहां से, तो एक सी घात एक बटे दो धन एक बटे दो धन एक, ठीक है बच्चों। आगे चले, फिर तीसरा पद को देखे, पांच नितांग राशि बाहर हो जाएगा, एक सी घात ऋण एक बटे दो धन एक ऋण एक बटे दो धन एक, ठीक है। यहां से फिर हो जाएगा तीन एक सी घात दो तीन धन दो पांच, पांच बटे दो, फिर तीन धन दो पांच बटे दो, चार एलसीएम लिए तो एक धन दो तीन बटे दो, फिर यहां से दो धन एक धन दो बटे दो मतलब तीन बटे दो, फिर धन पांच, तो एक सी घात देखिए यहां पर क्या हुआ, ऋण एक धन दो, दो में एक घटेगा एक बटे दो हो जाएगा, ये एक सी घात एक बटे दो होगा, यहां भी यही होगा, ऋण एक धन दो, धन दो में ऋण एक घटेगा वो एक बटे दो हो जाएगा। जहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं, सब क्लियर। आगे चले, तो ये ऊपर जाएगा ये मान, तो दो से इस तीन का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा छह बटे पांच, ये हो जाएगा आपका एक सी घात पांच बटे दो, ये हो जाएगा आपका क्या आठ बटे तीन, ये हो जाएगा एक सी घात तीन बटे दो, ये हो जाएगा आपका दस, और ये हो जाएगा एक सी घात एक बटे दो, ठीक है। यहां तक तो सब चीज क्लियर है। आगे चले,
आगे चलते हैं बच्चों, इसमें क्या देखिए, ये 5/5 5/2 लिख रहे हैं, तो इसको अपन करें तो x की घात 2 ^(1/2) के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 × 4 ^(1/5/2), तो यहाँ पर अगर हम क्लियर करते हैं x की घात 2 और x की घात 1/2 घटाएंगे नियम से, आधार समानों को तो घात जुड़ेगा, 2 ^(1/2) जाएंगे, तो यहाँ x की घात 1/2 दिख रहा है, ठीक है, इसको भी देखें तो क्या हो जाएगा, x की घात 3/2 लिखा हुआ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ^(1/2), तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 1 × x की घात 1/2, तो 3/2 में भी x की घात 1/2 है, x की घात 5/2 में भी x की घात 1/2, ठीक है, मतलब यहाँ x की घात 1/2, यहाँ भी x की घात 1/2, यहाँ भी x की घात 1/2, मतलब यहाँ से ये उभयनिष्ठ हो रहा है, कर दूँ डायरेक्ट सीधे कर दूँ, और यहाँ देखिए 2 × 5 2 × 4 और 2 × 3 सभी पदों में 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, 2 × x की घात 1/2, क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 3/5 और यहाँ क्या बचेगा, 1/2 कॉमन हुआ तो x का वर्ग बचेगा, यहाँ लिख दो x का वर्ग, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जाके 2 से जुड़ेगा तो 5/2 मिलेंगे, ये हम घटाएंगे नियम से काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या बाहर होगा 2, तो ये क्या बचेगा आपका 4/3, और यहाँ हमने 1/2 उभयनिष्ठ कर लिया, 1/2 उभयनिष्ठ किया तो क्या बचा है पास, x बच गया, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x, और ये यह आपका यहाँ से 2 भी बाहर हो गया, 1/2 बाहर भी हो गया, तो बचा क्या पास 5, अब चाहिए तो इतना ही आंसर है आपको, इसका आंसर कर दीजिए आप, या इसको करनी चिन्ह में ले लीजिए आप, x करनी, आंसर तो यही होगा, 1/2 या x करनी चिन्ह की चीज होगा, ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन है हमको, ये सब अलग अलग पदों में इसको व्यक्त करके हल करना है, और जब तक हम इसको अलग अलग पदों में व्यक्त करके हल नहीं करेंगे तब तक उसका उत्तर नहीं आएगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मूलभूत जो प्रमेय है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद के रूप में योग और अंतर के रूप में दिया हो तो उसको अपन को अलग अलग पदों में करके समाकलन करना है, ठीक ठीक है दोस्तों, आगे चलो, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने, कभी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आया आपके सामने, (ex−(1/5x)/(sec x)/(tan x) का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो ये सब प्रश्नों को आपको हल करना है सूत्र के माध्यम से, ठीक है, इसका हम हल करें, तो इसको मैंने कहा जब अपन समाकलन का चिन्ह डालेंगे, ठीक है, तो इसको I के रूप में मानेंगे, I मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, (I(ex)(1/x)/(sec x)/(tan x) और ये dx, ओके, आगे इसको अलग अलग रूप में लिख लीजिए, (ex)(dx), फिर समाकलन 1/5x(dx), फिर समाकलन (sec x)/(tan x)
dx। तो मैंने आपको प्रमाणिक समाकलन बताया था कि चरघातांक की रूप में दिया हो या चरघातांक की श्रेणी रूप में दिया हो उसका समाकलन क्या होता है, e x ही होता है। मतलब यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, e x, e की पावर x, ठीक है। फिर यहाँ 1/5 नितांक राशि, तो नितांक राशि का समाकलन नहीं होगा, किसका होगा, 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या होगा, लॉगरिथम में मिलता है log e x, और sec x tan x का समाकलन sec x होता है। ये आंसर। तो ये आंसर आया। अब इस स्टेज पे प्रश्न है, दो या तीन नंबर के प्रश्न आते हैं, इसको आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है।